हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। अब छत पे जा रहे हैं आग जलाने। शाम हो गया, मम्मी को पूजा करना है तो जा रहे हैं अभी आग जला, क्योंकि शाम भी हो गया। चलिए आग जलाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। साउंड तो आ रहा होगा क्योंकि बगल में मंदिर है तो साउंड तो आएगा ही 9 दिन तक। चलिए आप लोग इसी तरह बने रहिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय। यहाँ पे देखिए आहुत जल रहा है और आप लोग को देखिए बैक कैमरा से दिखा रहे हैं मौसम कितना अच्छा। और यहाँ पे चांद भी निकल चुका है, ये हम लोग छत पे का है कुछ। चलिए आप लोग इसी तरह बने रहिए, हम चलेंगे बाहर तो आप लोग को जरूर दिखाएंगे। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इसी तरह ब्लॉग को इन तक जरूर देखिएगा। ये वाला सारा डेकोरेशन है जो जानपुल का है, मेला भी और उसका मूर्ति भी दिखाएंगे इसी ब्लॉग में। आप लोग इन तक जरूर बने और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए ब्लॉग को। हेलो, पंडाल एवं कार्यालय के सामने जिनका वाहन दुकान या किसी भी प्रकार का कोई समय खुला किए हैं तो जल्द से जल्द निकाले, क्योंकि आज सुबह का और ये वाला जो पंडाल है ये कुमारी देवी चौक का है। आप लोग एंजॉय कीजिए ब्लॉग को। ये ज्ञान बाबू चौक का है, हम आपको नहीं दिखा पाए इसका मैपिंग में, इस ब्लॉग में जरूर दिखेगा। उसके लिए मेरे घर के बगल में बंदोरे पंडाल का है ये मूर्ति। और ये हरिचंद के बारे में मम्मी को बता रही थी। आप लोग को भी पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। फिर हम मेरे घर के मतलब बंजरिया पंडाल के जो है वहीं पे ऐसा कुछ डेकोरेशन हुआ था मंदिर के पास, फिर प्रसाद में खिचड़ी मिला था तो पापा के लिए ले गए थे। आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।